अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उमामा आरिफ। नाज़रीन, आज फिर से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल फ़र्क में एजिल का किरदार निभाने वाली इस खूबसूरत अदाकारा के बारे में बहुत से दिलचस्प बातें बताऊंगी कि ये असल में कौन है, क्या है, कैसी हैं, क्या करती हैं, क्या ये शादीशुदा है या नहीं, और अगर ये शादीशुदा नहीं है तो क्या इनका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। ये सब बातें जानने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी और आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। तो नाज़रीन, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हम बात कर रहे थे ड्रामा सीरियल फ़र्क में एजिल का किरदार निभाने वाली इस खूबसूरत अदाकारा की। इनका असल नाम सबा शाह है। ये पाकिस्तान की टैलेंटेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं और ये बेहद खूबसूरत और क्यूट हैं। ये कराची की रहने वाली हैं। ये एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके ड्रामास को भी बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। सबा शाह 7 दिसंबर 2001 में कराची में पैदा हुई और अब इनकी एज 21 ईयर है। इनकी हाइट 5 फीट 3 इंचज़ और वेट 48 kg है। इनका बॉडी टाइप स्लिम और स्किन कलर फेयर है। अब अगर बात इनके एजुकेशन की करें तो ये स्टडी कर रही हैं। ये कराची की टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल कर रही हैं। अब अगर बात इनके मैरिड लाइफ की करें तो इनकी शादी नहीं हुई, ये सिंगल हैं और ना ही इनका कोई बॉयफ्रेंड है। अब अगर बात इनके शोबिस करियर की करें तो इन्होंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया। मॉडलिंग से बेपनाह शोहरत पाने के बाद इन्होंने एक्टिंग करने के बारे में सोचा। इनका पहला ड्रामा मेरा दिल मेरा दुश्मन 2020 में ARY डिजिटल पर नशर किया गया था। इसके बाद इन्होंने बेशुमार ड्रामाज में अदाकारी की। इस ड्रामा से इन्होंने बेहद मकबूलियत हासिल की है और अब ये ड्रामा सीरियल फ़र्क में अदाकारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस ड्रामा में इनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो नाज़रीन, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।